नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अगर होटल वाले जबरदस्ती करते हैं टिप की वसूली तो यहां कड़े शिकायत। नवादा के एक परिवार की सगी बहनें बनी दारोगा, बिहार में तैयार तेल से उड़ेंगे हवाई जहाज, विमान के किराए में आएगी कमी। त्रिकोणीय और चतुर्भुज श्रृंखला की वापसी से इस मुश्किल को किया जा सकता है दूर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षकों के ड्रेस कोड को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बिहार के लखीसराय जिले के डीएम द्वारा माध्यमिक विद्यालय के एक बुजुर्ग शिक्षक के पोशाक को लेकर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसके बाद वैशाली के डीएम ने शिक्षकों को कुर्ता पायजामा और जींस टी शर्ट नहीं पहनने का आदेश दिया, जिसके बाद यह मामला राज्य भर में चर्चे का विषय बना हुआ है कि क्या शिक्षकों के भी विद्यार्थियों की तरह ही ड्रेस कोड होना चाहिए। और वही अब यह मामला अब शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी ड्रेस कोड होना चाहिए। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में स्कूलों में शिक्षकों पर किसी प्रकार का ड्रेस कोड का नियम नहीं लागू होगा, लेकिन सच्चाई है कि शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आदर्श तथा प्रेरणा है। स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षक व्यवहार से लेकर पहनावा तक में शालीनता रखें, जिसका सदप्रभाव बच्चों पर भी पड़े। दानापुर बेटा की दूरी होगी कम। प्रदेश के किसी भी कोने की दूरी कम समय में तय हो, इसके लिए बिहार सरकार लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है। इसी कड़ी में दानापुर रेलवे स्टेशन से बेहटा के ईएसआई मेडिकल कॉलेज तक के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए टेंडर भी पास करा दिया गया है। इसके अलावा बेहटा ईएसआई मेडिकल कॉलेज से 4 किलोमीटर कोइलवर पुल के पास तक 4 लेन का रोड भी इस प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके निर्माण कार्य में लगभग 3,737.5 करोड़ का खर्च आएगा। इस रोड के बन जाने से दानापुर जाने की समय सीमा कम हो जाएगी। वहीं इसकी निविदा 29 अगस्त को जमा किया जा सकता है। अगले 48 घंटों में बारिश दे सकती है राहत। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून बिहार से रूठा हो। इस मानसून में महज 192 मिलीमीटर के पास ही बारिश दर्ज की गई है, जो कि बहुत कम है। ऐसे में बिहार के 35 ऐसे जिले हैं जहां अगर 2-3 दिन और बारिश नहीं होती है तो सूखे की स्थिति बन सकती है। हालांकि इस बीच मौसम विभाग उम्मीद की किरण दिखा रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय समेत 15 जिलों में सोमवार से बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं इस दौरान किशनगंज और अररिया में भारी बारिश और ठनका गिरने की भी आशंका है। इसका आंशिक असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। कई जगहों पर छिटपुट बारिश हो रही है। वहीं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिले के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ 18 जुलाई को वज्रपात और बारिश के संकेत हैं। अगर होटल वाले जबरदस्ती करते हैं टिप की वसूली तो यहां करें शिकायत। होटल संचालक अब ग्राहकों से मनमाना सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो शिकायत करने पर उन पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। इसकी शिकायत आप CCPA को ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। इस बारे में सरकार की ओर से बीते दिन सभी जिलाधिकारियों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार के मुताबिक राज्य में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा में खाने वाले ग्राहकों को जबरन सर्विस टैक्स देने से राहत दी है। अब टिप देना ग्राहक की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर इसके बाद भी होटल वाले खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज ऐड करते हैं तो उन पर कानून के उल्लंघन करने के जुर्म में कानूनन कार्रवाई होगी। वहीं अगर टिप के लिए आपके साथ जबरदस्ती की जाती है तो आप इसकी शिकायत 1915 नंबर पर कॉल करके कर सकते हैं या फिर www.eda.akhil.nic.in पोर्टल और मंत्रालय की मेल आईडी com@nic.in को भी शिकायत कर सकते हैं। नवादा के एक परिवार की सगी बहनें बनी दारोगा। BPSSC द्वारा हाल ही में निकाले गए दारोगा और सार्जन के रिजल्ट में कुल 2213 विद्यार्थियों ने बाजी मारी, जिसमें से 742 लड़कियां दारोगा के लिए चयनित हुई थी। वहीं बिहार दारोगा बहाली के रिजल्ट में नवादा जिले की 2 बहनों ने कमाल कर दिखाया है। जिले के एक छोटे दुकानदार की 2 बेटियों ने एक साथ दारोगा बनकर अपने माता पिता के साथ साथ पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। परिवार सहित पूरे इलाके में इस बात की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दोनों बहनें प्रेरणा स्रोत बन गई हैं।
साइबर ठगी से बचने के लिए बिजली उपभोक्ताओं की डाटा होगी सुरक्षित। राज्य में बिजली उपभोक्ता साइबर ठगों से परेशान हो चुके हैं। आए दिन बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। हालांकि उपभोक्ताओं की परेशानी को समझते हुए सरकार इसके लिए ठोस कदम उठा रही है। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं के डेटा को सुरक्षित रखने और उसके बेहतर इस्तेमाल को लेकर बिजली कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है। यह सेंटर पटना और गया समेत तमाम आईटी लोकेशंस पर स्थापित किया जाएगा। बिजली आपूर्ति कंपनी साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी ने इसको लेकर अनुभवी एवं योग्य कंपनियों, फर्म तथा केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों से आवेदन मांगा है। अब राज्य में आएगी पंचायत के विकास में रफ्तार। बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के खातों में 1921 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। इनमें 1343 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, जबकि पंचायत समितियों और जिला परिषदों को 288 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि पंचायतों को दो अलग अलग मदों, टाइड और अनटाइड के अंतर्गत राशि भेजी गई है। टाइड मद में 60% तो अनटाइड मद में 40% राशि दी गई है। टाइड मद की राशि सरकार द्वारा चिन्हित योजनाओं में खर्च करनी है। इनमें पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण, गली नाली पक्कीकरण, स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त के सतत रख रखाव आदि पर खर्च होगा। वहीं अनटाइड मद की राशि विभिन्न विकास कार्यों में लगाया जाएगा, जिसका निर्णय ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, जिसमें युवाओं के लिए खेल के मैदान, सामुदायिक भवन निर्माण, शवदाह गृह, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं का विकास पर खर्च होंगे। बिहार में तैयार तेल से उड़ेंगे हवाई जहाज, विमान के किराए में आएगी कमी। बिहार में देश का पहला एथेनॉल प्लांट शुरू होने के बाद अब बिहार बड़े उड़ान भरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बिहार अब तैयार फ्यूल का प्रयोग विमानों में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार के तीनों एयरपोर्ट पर उतरने वाले विमानों में इस फ्यूल की सप्लाई की जाएगी। ऐसे में बिहार से ही ATF की सप्लाई की जाएगी, तो इसकी लागत में भी कमी आएगी, जिससे विमानों के किराए में भी कमी होगी। वहीं अगर बरौनी रिफाइनरी में सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने से विश्व स्तरीय एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF यानी हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। प्रायोरिटी कॉरिडोर में ये जगह होंगे मेट्रो स्टेशन के लिए शामिल। बिहार के लोगों को, खासकर राजधानी पटना के लोगों को, बेसब्री से मेट्रो के परिचालन शुरू होने का इंतजार है। मालूम हो कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली मेट्रो के साथ 25 सितंबर 2019 को MOU हुआ है। इसके तहत मेट्रो परियोजना के दानापुर से मीठापुर और पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT तक दोनों कॉरिडोर को सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली मेट्रो पूरी तरह से जिम्मेदार है। इसके लिए फिलहाल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। दोनों कॉरिडोर पर पटना स्टेशन और खेमनीचक दो इंटरचेंज स्टेशन होंगे, जहां से दोनों रूट के लिए मेट्रो उपलब्ध होगी। वहीं प्रायोरिटी कॉरिडोर में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल तक का एलिवेटर सेक्शन शामिल है। इस 6.1 किलोमीटर के खंड में 5 एलिवेटर स्टेशन शामिल होंगे, जिसमें 0 माइल, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, भूतनाथ रोड, खेमनीचक और मलाही पकड़ी शामिल है। राजधानी पटना में बैठकर गजवाए हिंद ग्रुप का संचालन करने वाला अपराधी गिरफ्तार। हाल ही में फुलवारी शरीफ से दो टेरर को पकड़ा गया था, जो प्रधानमंत्री के पटना आगमन पर कुछ बड़े मंसूबों को अंजाम देने वाला था। हालांकि एजेंसियों की सूझबूझ से दोनों पकड़े गए। इसके बाद भी पुलिस की अलग अलग टीम लगातार मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पटना के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस बात की जानकारी बीते दिन SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी है। इस बीच फुलवारी शरीफ आतंकी मामले में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। जांच के दौरान पटना पुलिस की विशेष टीम को फुलवारी शरीफ से संचालित हो रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में पता चला, जो सीधे सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई इस्लामिक देशों में जुड़ा हुआ था। इसके बाद गजवाए हिंद ग्रुप बनाकर पाकिस्तान के कई लोगों को ग्रुप में जोड़ने के आरोप में फुलवारी शरीफ से इलियास उर्फ ताहिर उर्फ मगरूब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह शख्स व्हाट्सएप और मैसेंजर ग्रुप के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बात करता था। आज से कांवड़ियों के लिए यहां निःशुल्क मेडिकल कैंप की हुई शुरुआत। सावन का महीना शुरू हो चुका है, अब पूरे महीने कांवड़ियों की भीड़ बिहार से लेकर झारखंड तक लगी रहेगी। इस बीच बिहार में कांवड़ यात्रियों के सेवाओं के लिए रुबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मुफ्त चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। इससे कांवड़ियों को बहुत सुविधा होगी। आज यानी 16 जुलाई को मुफ्त चिकित्सा शिविर का उद्घाटन समारोह हुआ। यह चिकित्सा शिविर पटेढ़ा स्कूल के नजदीक टोल प्लाजा सराय वैशाली में स्थित है। इस मुफ्त चिकित्सा
चिकित्सा शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ का प्रबंधन किया गया है। इन सभी इलाज के लिए अलग अलग समय दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर 9891082640 वहीं दूसरा नंबर 8051237036 पर संपर्क कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा के फोन करने पर सीएम नीतीश ने नहीं दिया जवाब। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस बीच देश में राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई को होना है। इसके लिए एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। इस बीच यशवंत सिन्हा बीते दिन बिहार दौरे पर आए और तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसद विधायकों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान यशवंत सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी समर्थन मांगने के लिए फोन किया, हालांकि मुख्यमंत्री ने फोन नहीं उठाया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि विपक्ष द्वारा मुझे राष्ट्रपति पद उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मैंने कई बार नीतीश कुमार को फोन करने की कोशिश की, उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। त्रिकोणीय और चतुर्भुज श्रृंखला की वापसी से इस मुश्किल को किया जा सकता है दूर। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मैचों के प्रबंधन और शेड्यूलिंग पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि त्रिकोणीय और चतुर्भुज सीरीज की वापसी से इसको मैनेज किया जा सकता है। रोहित शर्मा से यह पूछे जाने पर कि क्या द्विपक्षीय श्रृंखला प्रासंगिकता हो रही है, उन्होंने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। दुनिया भर में और अधिक T20 लीगों के आगमन और तेजी से व्यस्त कैलेंडर के साथ एक समय था जब हम बच्चे थे। मैं बड़ा हुआ, मैंने बहुत सी त्रिकोणीय श्रृंखला या चतुर्भुज श्रृंखला देखी, लेकिन यह पूरी तरह से बंद हो गई है। मुझे लगता है कि यह आगे का रास्ता हो सकता है ताकि टीम के पास ठीक होने और वापस आने के लिए पर्याप्त समय हो। देश भर में अब आने लगे हैं 20,000 से अधिक मामले। भारत में कोरोना वायरस में नए मामलों में दो दिनों से जारी किए जा रहे रिपोर्ट में 19% का उछाल देखने को मिला है। वहीं आज तीसरे दिन में पिछले 24 घंटे में 20,044 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 56 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। भारत में अभी कोरोना के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,40,760 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,301 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है। आज लगातार तीसरे दिन भी नए संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार रही। आपको बताते चले कि पिछले 5 महीनों में कोरोना के इतने मामले नहीं आए थे। व्हाट्सएप अपने स्टेटस फीचर में ला सकता है बड़ा बदलाव। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए बदलाव लाता रहता है। इस बीच अब एक बार फिर से व्हाट्सएप अपने फीचर में नया बदलाव लेकर आ रहा है, जिसके तहत व्हाट्सएप स्टेटस पर आप वॉइस नोट्स भी लगा सकेंगे। अभी तक व्हाट्सएप स्टेटस पर यूजर्स को पिक्चर्स, टेक्स्ट और वीडियो पोस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन एक नए फीचर के आने से बड़ा इसका दायरा बढ़ जाएगा। आने वाले समय में आप अपने स्टेटस में ऑडियो नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। इस बात की जानकारी व्हाट्सएप फीचर्स को चेक करने वाली एक वेबसाइट के हवाले से मिली है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रघुनाथ प्रसाद, रंजीत मिश्रा, बलराम यादव, सुभाष ठाकुर, कविता कुमारी, विनय कुमार, अभिजीत कुमार, कुमार कौशल सिंह, प्रकाश कुमार शाह, शंकर मुखिया और मोहम्मद नौशाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा से सर्विस चार्ज हटाने का फैसला आपको कैसा लगा? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।